राधे कृष्ण मित्रों, जय श्री राम। तो रामलला जी के दर्शन तो सभी ने कर लिए हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि रामलला जी की मूर्ति काले ही क्यों बनाई गई है? क्योंकि जब मैंने पहली बार रामलला जी के दर्शन किए थे, मतलब पहली बार जब टीवी फोन्स पर उनका पहला चित्र देखा था, मेरे माइंड में सबसे पहला थॉट यही आया था कि रामलला जी की मूर्ति काले ही क्यों बनाई गई है, ब्लैक बनाने का रीज़न क्या हो सकता है। और रामलला की मूर्ति से रिलेटेड बहुत सारी रोचक बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले कॉमेंट में लिख दो जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। तो सबसे पहले बता दूं कि ये मूर्ति बनाई है अरुण योगीराज जी ने, जो कि बहुत अच्छे मूर्ति कलाकार हैं। इस मूर्ति के बनाने के साथ साथ उन्होंने एक हिस्ट्री बना दी है। जब तक इस मूर्ति के बारे में बात की जाएगी, अरुण योगीराज जी को याद रखा जाएगा। तो अब बात करते हैं कि मूर्ति को काली क्यों बनाया गया, मतलब मूर्ति को काले बनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामलला को श्याम स्वरूप में बताया गया है, जिसकी वजह से मूर्ति को काला बनाया गया है। रामलला की मूर्ति को बनाने में जिस पत्थर का उपयोग किया गया है, उस पत्थर का नाम कृष्णशिला है। कृष्णशिला की खासियत यह है कि इस पत्थर की उम्र हजारों वर्ष तक है, जिससे इस मूर्ति को बनाने में काफी सालों तक इस मूर्ति को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इस पत्थर की एक और खासियत है, जब इस पत्थर से मूर्ति बनाई जाए तो उस पर दूध का अभिषेक होगा, और जब अभिषेक होगा तो उस दूध का इस्तेमाल प्रसाद वितरण के लिए भी किया जाएगा। तो इस मूर्ति में किसी भी तरह की अशुद्धियां नहीं पाई जाती है। इस मूर्ति पर दूध का अभिषेक होने के बाद भी दूध में कोई भी ऐसा दुष्प्रभाव नहीं होगा जिसको ग्रहण करने से किसी के भी स्वास्थ्य पर कोई भी गलत प्रभाव पड़े। तो इस मूर्ति में ये भी एक खासियत है। श्री राम जी की मूर्ति की लंबाई 51 इंच है, और इसमें श्री राम को 5 वर्ष की वाल रूप में बनाया गया है। श्री राम की इस मूर्ति में विष्णु भगवान के 10 अवतार भी बनाए गए हैं, जिसमें एक तरफ मत्स्य, कुर्ब, बराह, नरसिंह, वामन, और दूसरी तरफ भगवान परशुराम, भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, और अंत में कल्कि अवतार को भी बनाया गया है। कल्कि भगवान वो है जो कलयुग में धरती पर अवतरित होंगे। रामलला की मूर्ति के ऊपर कुछ और चिन्ह भी बनाए गए हैं, जिसमें गदा, स्वास्तिक, शंख, चक्र, ओम भी बनाया गया है। हर व्यक्ति के लिए बेहद खास है श्री राम, और बेहद खास है श्री रामलला की मूर्ति। बस उम्मीद है हर व्यक्ति उनके जीवन से कुछ अच्छा सीखे, जीवन में अच्छा करे और अच्छी तरह से आगे बढ़े, उनके नाम लेकर किसी भी गलत कार्य को ना करे, क्योंकि ये राम भक्ति नहीं, ये उनके नाम का अपमान है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करना अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।